M8 एक बहुत ही सुंदर फोन है जिसका बहुत ही अच्छा डिजाइन है HTC की ओर से, फुली मेटल है। लेकिन इसमें एक कमी है, जैसे अगर ये फोन गिर जाता है इस पर डेंट डल जाता है। डेंट आने की वजह से जो भी यूजर इसको लेता है उसे सबसे पहले तो इसके लिए प्रोटेक्शन केस लेना पड़ता है, और इस HTC DotView केस से बेटर केस कोई भी नहीं हो सकता। ये HTC की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, और फ्लिपकार्ट पर आपको डिस्काउंट पर 300 या 400 रुपये में मिल जाएगा। वहाँ पर इसकी ऑफिशियल प्राइसिंग 1700 या 1800 रुपये है, लेकिन अगर आप डिस्काउंट पर लोगे, जो कि हर वक्त आई थिंक चलता ही रहता है फ्लिपकार्ट पर, तो आपको 300 या 400 के बीच में मिल जाएगा, अलग अलग रंगों में। ये मैंने ब्लैक वाला ऑर्डर किया था, और मुझे गोल्ड के लिए ब्लैक सबसे अच्छा क्योंकि लगा। तो इस कवर में सबसे पहले तो जी कुछ भी नहीं है, सिंपल एक केस है। इसके अंदर आई थिंक एक मैग्नेट या सेंसर कुछ लगा हुआ है, और इसमें कोई भी डिस्प्ले नहीं है या कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि कवर नीचे गिरने से या कुछ भी होने से डैमेज हो सकता है। ये जस्ट एक सिंपल कवर है आम कवरों की तरह। इसमें डॉट्स बने हैं ताकि जो भी HTC की डिस्प्ले में होता है ना स्क्रीन में, वो देखा जा सके। तो मैं आपको अप्लाई करके बताता हूँ। कवर बहुत ही सिंपल है अप्लाई और प्रोटेक्टिव है। हमें प्रोटेक्टिव फील होता है जब ये कवर अप्लाइड होता है, क्योंकि फोन बहुत ही ज्यादा स्लिपरी फोन है। इसमें सबसे पहले तो हम डबल टैप करने से इसके वो टाइम या नोटिफिकेशन या देख सकते हैं। जैसे अभी मुझे एक मिस कॉल आई है और एक व्हाट्सएप का वो आया है, ये देख सकते हैं, और टाइम देख सकते हैं, वेदर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस पर 22 डिग्री चल रहा है हमारे होशियारपुर में इस वक्त। और जैसे ही हम कवर को खोलते हैं ये ऑटोमेटिकली स्क्रीन को लाइटन अप कर देता है। मैं ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको आसानी हो देखने में। जैसे ही हम फोन को बंद करते हैं कवर को, ये खुद ही बंद हो जाता है। और जैसे ही करने, इसलिए हमें सबसे पहले तो लॉक बटन को प्रेस करने की, जो कि ऑकवर्ड प्लेस पर है, एक हाथ से प्रेस करने में डिफिकल्टी होती है, वो करने की जरूरत नहीं पड़ती। और हमें जब कॉल आती है तो हम कॉल स्वाइप अप करके पिक कर सकते हैं, और स्वाइप डाउन करके कॉल को कट किया जा सकता है। ये कवर HTC की ब्रांडिंग के साथ आता है, पीछे HTC लिखा हुआ है जो कि आप देख सकते हैं, और आगे भी यहाँ पर HTC लिखा हुआ है। अमूमन जब कवर आते हैं उनकी बैक ऐसी होती है जो कि बहुत ही अजीब लगती है देखने में, और बड़े ही सिंपल होते हैं, जैसे ये और ये, जिस पर कई HTC के फोन्स के लिए भी S लिखा होता है जो कि सैमसंग का लोगो है। बहुत ही अजीब लगता है हमें, लोग समझते हैं कि हमारे पास सैमसंग का फोन है लेकिन असल में वो और कोई कंपनी का होता है। और इसमें हमें ऐप मिलती है HTC फोन में, M8 में, HTC DotView, जिसके द्वारा हम जैसे कोई भी बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं या थीम सेट कर सकते हैं। जैसे मुझे कोई अच्छे कंट्रास्ट की थीम, लाइव थीम ऐसी ये पसंद हो गई आती है, तो ये जब मैं लगाऊंगा डबल टैप करूंगा तो वो लाइंस डिस्प्ले होंगी इस पर ये, या कोई और, या हम अपनी कस्टम थीम भी बना सकते हैं, जैसे माई थीम्स में जाके, एड एप्स में जाके, और या हम थीम्स में जाके हॉलीडे माई थीम्स में जाके हम कोई अपनी ऐड कर सकते हैं, जैसे कोई पिक्चर कर सकते हैं या कोई अपनी थीम कर सकते हैं। लाइव थीम सबसे ज्यादा है और ये ज्यादा अच्छी है, लेकिन और ज्यादा बैटरी भी नहीं कंज्यूम करते। जैसे आपको एक और दिखाता हूँ, ये इसमें आप देख सकते हैं कलर्स चल रहे हैं। एक बात जो मुझे इस कवर की अच्छी नहीं लगती है, वो कई हद तक अच्छी भी है और कई हद तक कई लोगों को पसंद नहीं है। जैसे मैं एक गेमर हूँ, मुझे गेम्स खेलने बहुत अच्छी है लगती हैं, ऐसे में को ऐसे ये खुद ब खुद बंद हो जाता है जैसे ही हम कुछ करते हैं। ये आम जैसे सैमसंग के कवर्स आते हैं और दूसरी कंपनी के आते हैं, ये खुला रहता है, ये खुद ही बंद हो जाता है, चाहे हम ऐसे फोल्ड कर लें, जैसे ही हम छोड़ेंगे खुद ही बंद हो जाता है ये। जब हमने कई चीजें गेम वगैरह खेलनी होती है सिंगल हैंड से, जैसे टेक्स्ट करना होता है, तो ये खुद खुद ब खुद बंद हो जाता है, हमें हमारे दोनों हाथ बिजी रखने पड़ते हैं। जैसे अब मैंने किसी को टेक्स्ट करना है, व्हाट्सएप करना है, एक हाथ से करूंगा। सैमसंग का कोई कवर आते हैं उसको ये ऐसे ही रहता है, इसको मेरे को या तो ऐसे फोल्ड करना पड़ेगा या फिर मुझे ऐसे पकड़ के रखना पड़ेगा, जैसे ही मैं छोड़ूंगा खुद ही खुद बंद हो जाएगा। और साइड्स पर ये चीज भी प्रोटेक्टेड नहीं है, यहाँ पर स्क्रैच लग सकते
सकते हैं आपके वॉल्यूम पर। आईआर ब्लास्टर के लिए जगह है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साइड्स के लिए बिल्कुल भी प्रोटेक्शन नहीं है, यहाँ पर होनी चाहिए थी। जैसे आम कवर्स होते हैं ना, साइड्स पर थोड़ी सी प्रोटेक्शन है, बाकी सारा कवर है, ये साइड्स प्रोटेक्टेड रहती हैं, लेकिन इसमें साइड्स में कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। वैसे देखने में बहुत ही कूल लगता है और फ़ोन भी बहुत ही अच्छा, हैंड में बहुत अच्छा फील होता है हमें। अगर जैसे कई लोगों को पसीना आता है तो इसमें वो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट इसमें ऐसे पैचेस पड़ जाते हैं, आप देख सकते हो थोड़े बहुत, अगर गीला हाथ लगता है तो पैचेस पड़ जाते हैं, ये भी इसकी प्रॉब्लम है। वैसे ये कवर बहुत ही प्रोटेक्टिव और बहुत ही अच्छा है, HTC ने बहुत अच्छा काम किया है। ये कैमरा भी अंदर रहता है और हमारी फ्लैश और दोनों कैमरे प्रोटेक्टेड रहते हैं, बहुत ही अंदर तक है कैमरा। और बाकी फ़ोन हम ऐसे डायरेक्टली फ़ोन पिक कर सकते हैं बिना इसको यूज़ खोले, या और कट भी कर सकते हैं, और क्वालिटी में भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता।